बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का आगाज किया था और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन तमाम डिफरेंसेस को देखा था जो कि आपकी बुक यानी पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्क पाया जाता है, यानी टॉपिक्स के दरमियान फर्क पाया जाता है, उनको भी हमने डिटेल में देखा था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज करेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की फील्ड में कंप्यूटर नेटवर्क और एक नेटवर्क को बनाने के बाद उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि ये नेटवर्क सही नहीं है, ये नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेटवर्क बैठ गया है, तो ये नेटवर्क यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों नेटवर्क मींस बहुत सारी चीजों का ग्रुप जब आपस में इसीलिए इकट्ठा होते हैं ताकि कम्युनिकेट कर सके, और कम्युनिकेशन मींस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, आपस में इंफॉर्मेशन का तबादला कर सके, और इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, फाइल हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर कोई हार्डवेयर भी हो सकता है। बेसिकली नेटवर्क तब बनता है जब लोग आपस में बात करके इंफॉर्मेशन को शेयर करें। अब यहाँ लोग इकट्ठा तो हैं, लेकिन ना ही कोई किसी किस्म की बात कर रहा है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, और ना ही कोई एक दूसरे से कनेक्ट है। तो वी कैन से कि ये लोगों का मजमुआ तो है लेकिन एक नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तभी होगा जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी, यानी आपस में इंफॉर्मेशन का तबादला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे कि ये पीपल ऑफ नेटवर्क है, यानी लोगों का नेटवर्क है। और अगर कुछ लोग मोबाइल के जरिए आपस में बात कर रहे हैं तो ये दो मोबाइल फोन्स या ये कुछ मोबाइल फोन्स का नेटवर्क कहलाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही अगर दो कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे या फिर फाइल्स को एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, तो ये नेटवर्क कहलाएगा ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। और इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस कंप्यूटर नेटवर्क ही है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में इसीलिए कनेक्ट हो, जुड़ी हुई हो ताकि रिसोर्सेस को आपस में शेयर कर सके, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। मैंने यहाँ डिवाइसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप, गेम्स या फिर कंप्यूटर वगैरह। और रिसोर्सेज के मायने हैं कोई भी डेटा, फाइल, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, यानी नेटवर्क के जरिए आपस में कंप्यूटर स्टोरेज को भी शेयर किया जा सकता है, आपस में बांटा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कीबोर्ड से डेटा इनपुट देते हैं जो कि हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर आ जाता है, तो क्या कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन दो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो क्या वो भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, वो नेटवर्क तो कहला सकती हैं लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कहला सकती, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जब होगा जब दो अलग अलग मशीन, दो अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे या फिर रिसोर्सेस को शेयर करेंगे, तो ही वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएंगे। वो दो कंप्यूटर्स एक रूम में भी हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, और दो अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल इंटरनेट है, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके जरिए पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है। जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा हुआ है। तो दोस्तों दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो वो केबल्स या फिर यानी तारों के जरिए आपस में कनेक्ट होंगे, जिसको वाइड नेटवर्क भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल फोन इस कंप्यूटर से एक तार के जरिए, एक केबल के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसको वाइड नेटवर्क कहा जाएगा। और दूसरा जरिया है राउटर्स या फिर रेडियो वेव्स के जरिए आपस में जुड़े होंगे, जिनको वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाएगा, यानी तारों के बगैर नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे, फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते होंगे।
दोस्तों ये तो थी कुछ नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं कि एक नेटवर्क को बनाने के बाद आप उसके उससे क्या क्या यूजेस हासिल कर सकते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क के जरिए मतलब नेटवर्क का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके जरिए फाइल्स को डेटा को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेट के जरिए एक जगह पर एक वेबसाइट पर मौजूद बुक्स इमेजेस वीडियोस को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नेटवर्क के जरिए एक जगह कोई चीज रख दी जाती है और तमाम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अगर उनके पास 2000 कंप्यूटर्स हैं और उन 2000 कंप्यूटर्स को प्रिंटर की जरूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन 2000 प्रिंटर्स को परचेज करने के बजाय एक ही प्रिंटर को शेयर कर देते हैं किसी एक सिस्टम में और तमाम यूजर्स नेटवर्क के जरिए उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क बनाने का मकसद भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एरिया में रिसोर्स को शेयर कर दिया जाए और लोग इसको इस्तेमाल करें ताकि कॉस्ट को बचाया जा सके। तो दोस्तों नेटवर्क का एक दूसरा फायदा ये भी है कि उसके जरिए हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर स्कैनर हार्ड ड्राइव्स को शेयर किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल के अंदर भी देखा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को शेयर किया जा सकता है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को खरीदने में अच्छी खासी रकम दरकार होती है तो सॉफ्टवेयर को भी एक सिस्टम में रख दिया जाता है और लोग उसको नेटवर्क के जरिए एक्सेस कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क के जरिए हमारी कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है। पहले जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाकर या फिर पोस्ट के जरिए खतों का तबादला करना होता था, आपस में कम्युनिकेट करना होता था, इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था, लेकिन अब बआसानी ईमेल मैसेंजर व्हाट्सएप और अलग अलग चैटिंग के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए सेकंडों में हम एक दूसरे की खबर ले लेते हैं, एक दूसरे की हाल अहवाल पूछ लेते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क का एक बहुत बड़ा फायदा टाइम और कॉस्ट को बचाना भी है। दोस्तों हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के और भी तो जराए मौजूद थे, यानी हम पेन ड्राइव डीवीडी सीडी वगैरह के जरिए भी तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे, तो नेटवर्क क्यों बनाए गए। तो दोस्तों डीवीडी या फिर सीडीज को रीड करने के लिए डीवीडी प्लेयर का होना जरूरी है, ये एक लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा अगर आप यूएसए से पाकिस्तान कोई डेटा भेजना चाहते हैं बिना नेटवर्क के यानी बिना इंटरनेट के, तो वो आपको फिजिकली ट्रांसफर करना होगा या तो एरोप्लेन से या फिर किसी और तरीके से, जिसमें ना सिर्फ वक्त लगेगा बल्कि अच्छी खासी कीमत भी दरकार होगी। लेकिन नेटवर्क हमें ये फंक्शनैलिटी फराहम करता है कि आप यूएसए में हो या फिर बराबर वाले रूम में, आपको डेटा को एक्सेस करने में एक ही वक्त लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा यूएसए के कंप्यूटर में है और कोई डेटा बराबर वाले रूम के कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं होगा कि यूएसए वाला डाटा देर से आ रहा है और बराबर वाले रूम का कंप्यूटर का डाटा जल्दी। यानी नेटवर्क का इस्तेमाल करने से नेटवर्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपको रिसोर्स कहां से शेयर करनी है, यानी रिसोर्स कितनी दूर मौजूद है या फिर कितनी करीब मौजूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका टाइम बचाया जा सकता है बल्कि कॉस्ट भी बचाई जा सकती है। इसके बाद है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्यूटर के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस को एक जगह एक कंप्यूटर पर रख दिया जाता है और ग्रुप में काम करने वाले लोग उसके जरिए आपस में कनेक्ट रहते हैं, रास्ते में रहते हैं। दोस्तों वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहा जाता है क्योंकि तमाम मेंबर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं और नेटवर्क के जरिए अपने आइडियाज एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क के जरिए आप दुनिया में कहीं भी हो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एक नेटवर्क को बनाने के कुछ फवायद उसके यूजेस। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क की टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे।